हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट हो रही है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फुल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 14 आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बच्चों, इसमें हम स्पेशली आज हॉट्स प्रॉब्लम यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के प्रॉब्लम जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। जो कुछ क्वेश्चन हमने इस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ड्यूरेशन में छोड़ दिए थे, वो क्वेश्चंस आज हम यहाँ आपके लिए कराएंगे। ओके, देखिए इन क्वेश्चंस में स्पेशली यहाँ पे ड्यू लिखा हुआ है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको हम कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 11। बच्चों क्या कहा गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द सोल्यूशन ऑफ द ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इक्वल टू सी। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन में टेन भी है और सेक भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पूरा का पूरा इक्वेशन आप 10 में ले आओ या पूरा का पूरा इक्वेशन सेक में ले आओ। और इसके जो रूट्स निकलेंगे वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा, तो हमको क्या शो करना है कि 10 अल्फा प्लस बीटा हमें ये शो करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके यहां पर मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमको 10 अल्फा प्लस बीटा चाहिए है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहां पर जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा हैं, तो यदि इस इक्वेशन को मैं 10 की फॉर्म में पूरे पूरे में ले आऊं, तो भी मैं इसके रूट्स दो निकल जाएंगे मेरे पास, यदि मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूं 10 का। दूसरा तरीका ये है जो मैं कर रहा हूं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका है। जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये हल्का सा डिफ़िकल्ट है, बट चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, गिवन ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इक्वल टू सी है। ओके, तो ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, सबसे पहले मैंने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए, ए साइन थीटा प्लस बी इक्वल टू सी कॉस थीटा, कैसे आ गया ये, बहुत ही सिंपल है। तो कैसे कि आपने, देखो मैं बता देता हूँ, ए टेन थीटा की जगह आप क्या कर दोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना, सी। एलसीएम लेके कॉस थीटा को राइट साइड में ले जाओ, ये बन जाएगा। अब क्या करो, साइन को फॉर्म में रखो टेन की फॉर्म में, तो साइन थीटा कितना होता है, टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और कॉस भी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन बन चुका है। देखो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, किसमें, टेन थीटा बाई टू की फॉर्म में। अब टेन थीटा बाई टू की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, तो जो इसके रूट्स होंगे टेन थीटा बाई टू क्या होंगे, टेन अल्फा बाई टू एंड टेन बीटा बाई टू मान लेते हैं हम इसके रूट्स होंगे। और अगर यदि हम इस रूट्स में प्रॉपर्टी लगाते हैं सम ऑफ द जीरोस की, टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस टू ए अपॉन बी प्लस सी, और टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू दैट इज इक्वल टू बी माइनस सी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है अपॉन बी प्लस सी। वेरी नाइस, ये हो गया है। नाउ टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है ये वाली बात, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा क्या करूँगा, अगर मैं टेन अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू अपॉन ये हो गया। तो फॉर्मूले इनपुट करने पर देखिए कितना आ गया, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया है, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू आ गया है। सॉल्व करने के बाद इसको, टेन अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू वैल्यू पुट करने पर कितना आ गया, माइनस ए अपॉन सी। ओके, देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू माइनस ए अपॉन सी, ये आ चुका अपने पास। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखो, ये है मेरे पास टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बट अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए है टेन अल्फा प्लस बीटा, ये चाहिए। कहाँ से पता चला, देखो ऊपर जो क्वेश्चन था ना, ये देखो टेन अल्फा प्लस बीटा चाहिए हम लोग को। तो एक यहाँ पर मैं, अगर टेन अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ टेन टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बिकॉज अल्टीमेटली टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा। अब यदि मैं टेन अल्फा प्लस बीटा को टेन टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो फॉर्मूले मेरे एंगल जो है इस टर्म में बनेगी, और क्या बनेगी फार्मूला, फार्मूला बनेगा टेन टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू टू टेन एंगल अल्फा प्लस बीटा बाई अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। सो टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी है, माइनस ए अपॉन सी, कहाँ, ऊपर निकाल रखी हमने, और वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये जेई लेवल का। ओके, तो इसको आप लोग एक बार देखिए, फर्स्ट तरीके से तो ये हो गया है। अब सेकेंड लेवल देखते हैं, देखो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक बना लो, तो ए टेन थीटा इक्वल टू प्लस बी सेक थीटा इक्वल टू सी है, तो आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, या सी को इधर ले आकर के स्क्वायर कर दो, है ना।
चलो, तो सी को इधर ला करके स्क्वायर किया, तो कैसे किया मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको। तो ए टेन थीटा माइनस का सी इक्वल टू हो गया बी सेक थीटा, ये लो माइनस कर लो। ओके, अब होल स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो ए टेन थीटा माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पूरी की पूरी इक्वेशन आप टेन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो, ये देखो पूरी की पूरी इक्वेशन टेन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो अगर अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वन। ओके, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अपन के लिए अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो टेन अल्फा टेन बीटा ओके भी क्या होंगे, रूट्स होंगे, बिकॉज अल्फा बीटा रूट्स हैं तो टेन अल्फा टेन बीटा भी रूट्स होंगे। सो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू, ये इतना हो गया। अब तो बहुत ही सिंपल है भाई, अब तो लाजवाब क्वेश्चन है, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, जस्ट वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर दौड़ करके आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। ओके, ईजी है बच्चों, क्वेश्चन को कॉपी में लगाइए अगर इस मेथड से जाएंगे आप तो, यहाँ पे बहुत ईजी है। देखो मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या आपको सीखना है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो इसका मतलब जो टेन अल्फा और टेन बीटा होगा वो भी क्या होंगे, वो भी आपके रूट्स होंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन टेन अल्फा एंड टेन बीटा विल ऑल्सो बी द रूट्स। ओके गाइज, सो ये रहा अपना। ओके गाइज, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने ड्यू कर रखा है, एक्चुअली ये भी हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं, शो दैट 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। देखो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इसलिए आंसर में क्या आ रहा है, केवल कॉस 2 अल्फा आ रहा है, मतलब आंसर में बीटा नहीं आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो हम सॉल्व किसको कर सकते हैं, हम इसको ओपन कर सकते हैं एक तो, और एक तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, दो चीज़ हमारे पास ओपन होने के लिए हैं। 2 साइन स्क्वायर बीटा को हाथ मत लगाओ, दूसरी चीज़ ये वाली चीज़ साइन में है, ये वाली चीज़ कॉस में है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, आंसर कॉस में लेके आना है। तो एक चीज़ बन जाती है कि जितना से ज़्यादा कैंसिल हो सके कैंसिल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये तो क्वेश्चन ही लिख दिया गया, 2 साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज। अब इसके बाद 4 देखो फॉर्मूला पुट कर दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये देखो फिर साइन अल्फा साइन बीटा ये एज इट इज, फिर कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए इसको 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बन जाएगा क्या, कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। एक विशेष बात देखो, अगर आप साइन अल्फा साइन बीटा को अंदर ले जाते हो किसके साथ, कॉस के साथ, तो ये साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा जरूर बनेगा। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4, ठीक है ना, 4 देखो क्या बनेगा, ये देखो इसको साथ में ले गया, 4 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, जिसमें से मैं 2 2 दोनों को दे दूंगा तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा, ये देखो बन गया साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। ओके डन, और फिर क्या बन जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा वही वाला और साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। तो मजे की बात ये है कि देखो ये जो साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा और ये जो साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा ये कैंसिल हो जाएगा और केवल आपके पास बचा कितना, 2 साइन स्क्वायर बीटा जो कि था ही, 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ये भी है और कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा। अब देखो अब आपको पूरे को क्या कॉस में लेके आ जाऊँ क्योंकि तभी ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है। 2 साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ कितना, 1 माइनस कॉस 2 बीटा। फिर ये देखो इसको अपन ने लिखा 2 साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर बीटा एंड कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा, ये वाली चीज़ वैसी की वैसी है। अब 2 साइन स्क्वायर अल्फा को आपने क्या लिख दिया, माइनस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा और 1 माइनस कॉस 2 बीटा एंड कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा। अब देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 बीटा कॉमन है, ये देखो, तो इसको आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर आप 1 माइनस कॉस 2 बीटा कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा, इधर पे माइनस 1 और इधर पे क्या बचेगा, कॉस 2 अल्फा बचेगा और प्लस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा, ये हो गया, ठीक है जी। हाँ
ये बच गया। अब हम 1 माइनस कॉस क्या कॉमन क्या लिया अपन ने, 1 माइनस कॉस 2 बीटा कॉमन लिया है, तो अंदर बचा था 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक काम देखो, यहाँ से जो है 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा, 1 माइनस कॉस 2 बीटा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस 2 बीटा में हो जाएगा ये कॉस 2 अल्फा पहले, और फिर माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा, और ये वाला लास्ट में जो प्लस में बचा है कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बच गया, कॉस 2 अल्फा। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है फाइनली, कॉस 2 अल्फा हैंस प्रूव्ड। ओके, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगी, और बार बार ऐसे क्वेश्चंस को करके जाना पड़ता है एग्जाम में, अगर आप नए नए से क्वेश्चन करते हैं तो बहुत लंबे चले जाते हैं, आप फंस जाते हैं। सो आई विल रिकमेंड दिस क्वेश्चन एज रीड बिफोर एग्जाम, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करके जाइए। ओके, स्कूल लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो दिस क्वेश्चन इज फिट फॉर